हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th SSC का मैथ्स 2 का, मतलब कि ज्योमेट्री का डिडक्टेड पोर्शन जो COVID-19 की वजह से डिडक्टेड हुआ है। तो मैंने ये जो डिडक्टेड पोर्शन बनाया है बिल्कुल उसी तरह से बनाया जैसे मैंने मैथ्स 1 का, मतलब कि अलजेब्रे का बनाया था, कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो कि इस पेज पे से ये सब गया है, इस पेज पे से ये सब गया है। तो ये सब पेजेस नंबर बता के मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको रफली बताऊँगा और डीपली बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दिस इज डिटेल्स ऑफ डिडक्टेड पोर्शन ऑफ SSC फॉर ज्योमेट्री फॉर 2020 and 2021 ड्यू टू COVID-19। सबसे पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी, सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, और इसमें से सिर्फ एक चीज कटी है, इसमें से कटा है थ्योरम ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एंड ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर का जो थ्योरम है, अक्सर होता था कि ये थ्योरम ही आ जाता था 3 मार्क के लिए और एक आध क्वेश्चन 100% इसके ऊपर आता ही था। तो एक भी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, ये थ्योरम नहीं करना है एंगल बाइसेक्टर वाला। दूसरी चीज आपको ये करना है कि इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा ये कौन से पेज पे, आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा भाई अगर आप पढ़ते हो तो आपको वो देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है, इसके बेस पर बने हुए, वो सारे क्वेश्चन आपको ओमिट कर देने हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। अच्छा खासा पोर्शन कम हो जाएगा इस तरह से। सेकंड चीज़ है चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। 2 प्रैक्टिस सेट का ये थ्योरम है, चैप्टर है, और इसमें से फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि बहुत ही आसान है, सेकेंड वाला प्रैक्टिस सेट नहीं आने वाला। ये बहुत अच्छी बात हो गई कि एक प्रैक्टिस सेट यहाँ से कम हो गया है। देखिए पूरा प्रैक्टिस सेट मतलब हाफ चैप्टर यहाँ पर इन्होंने कम कर दिया है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 विच इज सर्कल, इसके अंदर थ्योरम ऑन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, जिसके ऊपर आखिरी प्रैक्टिस सेट पूरी डिपेंडेंट है, वो पूरा हटा दिया गया है। तो ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव थ्योरम नहीं आने वाला है, मतलब आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली जो आखिरी वाली एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी ओमिट है। बाकी आप 4 एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका काम यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, विच इज़ अ बोनस चैप्टर फॉर ज्योमेट्री। तो ये पूरा का पूरा आने वाला है, अच्छी बात है, आने दो, पूरा आएगा तो हम पूरा करेंगे, हर चीज़ हमको आती है इसमें से, बड़ा आसान है ये। इसके बाद में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप ऑफ लाइन विच वॉज अ वेरी हार्ड टॉपिक, उसको हटा दिया गया है और उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो भी नहीं आने वाले। तो अच्छे से कीजिए, इजी है, बाकी का सब ये भी आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद में है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा डरते थे, बच्चे के तो बच्चे टीचर्स भी डरते थे। तो इसमें जो सेकेंड वाला पार्ट था जो थोड़ा इजी था वो डिटेक्ट हुआ है। हार्ड वाला जो पार्ट है, मतलब जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है, रेशियो वाला पार्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग अच्छे से कर लोगे, लेकिन जहाँ पर आइडेंटिटी वाला पार्ट आता है वो थोड़ा सा मुश्किल है, जहाँ पर प्रूफ डेट वाले सम आते हैं। तो दोस्त वो आने वाले हैं तो उन्हें अच्छे से करना है, उसमें से सम आएंगे और ज़्यादा मार्क्स के लिए आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज पूरा ओमिटेड है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपको ट्रिग्नोमेट्री में से दिखाई नहीं देने वाला है। और लास्ट का जो चैप्टर है विच इज़ मेंसुरेशन, आपको टफ लगता था कई बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता था, तो किसके लिए गुड है किसके लिए बैड है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ओमिट किया गया है। तो ये था टोटल डिडक्शन ऑफ ज्योमेट्री जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ इसमें समझ में ना आया हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा आपको 2-3 सेकेंड दूँ ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बुक में मार्किंग कर ले या इसको कहीं लिख ले, ताकि आपको अच्छी तरह से इसको रिफ़र करने में अच्छी तरह से आसानी हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि दूसरों के भी काम आए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।